हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे 6 मंथ ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ आप सभी को। मैं तो इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देख लेना। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा मुझे 6 महीने के अंदर गाड़ी ने कैसा किया, मेरा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात करते हैं यहाँ पे मुझे 6 महीने के अंदर गाड़ी के अंदर क्या कुछ दिखते और क्या कुछ अच्छी बातें लगी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप सभी के लिए रोज ऐसी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँ। तो सबसे पहले हम बात करते गाइज यहाँ पे गाड़ी के अच्छे पॉइंट की। यहाँ पे अच्छा पॉइंट ये निकल के आता गाइज, मुझे गाड़ी ने है ना 6 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा माइलेज निकाल के दिया। जी हाँ गाइज, माइलेज बहुत बढ़िया था इस गाड़ी का। मुझे माइलेज में कोई ऐसी मतलब उदासी का सामना करना ना पड़ा, मुझे बहुत ही अच्छा माइलेज निकाल के दिया। मैंने गाइज माइलेज टेस्ट वीडियो भी बनाया था, अगर आप देखना चाहो तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। मुझे इसके माइलेज से लेके कोई शिकायत नहीं है, माइलेज बहुत बढ़िया है गाड़ी के इंजन के हिसाब से, बहुत अच्छा माइलेज दिया मुझे। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करें, वो है गाइज इसका फीलिंग। इस पे जब भी गाड़ी को हम चला के निकलते तो गाइज में बहुत बढ़िया फीलिंग आती है, जैसे कि हम यार कोई मतलब रॉयल किसी पे सिंगार होकर जा रहे हैं। तो गाइज आप इस गाड़ी को जब चलाओगे ना, आप सब लोग दोस्त वगैरह चलाओगे इसे, तो आपको बहुत बढ़िया फीलिंग आने वाली है। आप इसे चलाओगे तो आप 10 गाड़ियों में से आपको लगेगा हम कुछ अलग ही चला रहे हैं, ऐसे आपको फीलिंग आने वाली है। और तीसरे पॉइंट की बात करें, वो है गाइज इसका यहाँ पे साइलेंसर। इसके स्टॉक साइलेंसर की आवाज़ भी गाइज यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि हमने आफ्टर मार्केट से साइलेंसर लगा दिया। इसमें टुक टुक की आवाज़ बहुत बढ़िया आती है और आपको, मुझे तो गाइज यहाँ पे साइलेंसर चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे इसका जो कंपनी ने साइलेंसर लगा के भेजा है वो वाला साइलेंसर ही बहुत बढ़िया लगा मुझे तो। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप चेंज भी करवा सकते हो। मुझे तो गाइज इसका स्टॉक साइलेंसर की आवाज़ बहुत बढ़िया लगी। इस वाली आवाज़ से ना तो कोई परेशान होता है ना किसी को कोई प्रॉब्लम होती है और इस वाले साइलेंसर पे कोई चालान भी नहीं बनता। तो इस वजह से गाइस इसके साइलेंसर की आवाज़ भी बहुत बढ़िया और यहाँ पे दोनों तरह से फायदा देता है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, वो है गाइस जिसके अंदर मुझे वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं होता। मैंने स्टैंडर्ड भी चलाई है और क्लासिक 350 का ओल्ड मॉडल भी चलाया है। मुझे 6 मंथ के अंदर बिल्कुल भी मतलब गाड़ी इतनी चलाई है मैंने, लेकिन गाइज मुझे अभी तक चलाते चलाते वक्त हाथ में वाइब्रेशन फील नहीं हुआ बिल्कुल ही। मतलब साइलेंटली गाड़ी चलती है, वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं होता। थोड़ा बहुत तो रहता लेकिन हाथों में ऐसे झंझनाहट फील नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट भी बता दी। अभी हम कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट की भी बात कर लेते। वो है गाइज जिसका मुझे इसके फ्रंट जो पीछे की साइड में जो ये है ना गाइज सोकर, वो मुझे अच्छे नहीं लगे। जी हाँ गाइज, मैं हर रिव्यू वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो के अंदर भी बता रहा हूँ, मुझे इसके पीछे के जो सोकर है ना वो अच्छे नहीं लगे। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर है ना कंपनी को ओल्ड मॉडल की तरह इसके अंदर भी नाइट्रोक्स सस्पेंशन देने चाहिए थे। नाइट्रोक्स सस्पेंशन क्या होते हैं आपको मैंने हर वीडियो के अंदर बताया, आपको पता होगा। उसके अंदर यहाँ पे खड्डे पे हम निकलते हैं फिर भी हमें खड्डे महसूस नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और इस वाले मॉडल के अंदर कंपनी ने दिया हाइड्रोलिक सस्पेंशन। हाइड्रोलिक सस्पेंशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोलिक सस्पेंशन के अंदर मतलब जैसे आप 50-60 किलोमीटर चलाओगे इनके अंदर बबल बन जाते हैं सस्पेंशन के अंदर, जिसकी वजह से सस्पेंशन काम करना बंद कर देते हैं। और नाइट्रोक्स सस्पेंशन होते हैं उनके अंदर बबल नहीं बनते हैं, उनके अंदर नाइट्रोक्स कुछ गैस वगैरह होती है जो बबल नहीं बनने देती है। और मतलब आप कितना भी किलोमीटर चला लो यहाँ पे सस्पेंशन हमेशा स्मूथली वर्क करेंगे। तो यही डिफरेंस होता है यहाँ पे नाइट्रोक्स और हाइड्रोलिक सस्पेंशन। और यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड नेगेटिव पॉइंट की, वो है गाइज इसका आगे का लेग गार्ड। जी हाँ गाइज, लेग गार्ड बिल्कुल भी मतलब मजबूत नहीं है, गाड़ी का पूरा प्रोटेक्टिव नहीं है। मैंने गाइज ये ओरिजिनल कंपनी का ही लगवाया है, एसएस3 के अंदर आता है ये लेग गार्ड, आगे की साइड में लगा है लेग गार्ड। गाइज ऐसा मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप आफ्टर मार्केट लगाए, अच्छा सा देख के मजबूत हो जो। मुझे तो गाइज ये जब भी गाड़ी कुछ गिरती है तो यहाँ पे ये है ना गाइज बिल्कुल मुड़ जाता है यार, इसको बचाना भारी काम हो जाता है। गाड़ी को बचाना तो दूर, इसको पहले ठीक करना होता है, बाकी और कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है गाड़ी के अंदर। उसके बाद एक और प्रॉब्लम देखने को मिली मुझे, ये है गाइस जिसका जो ये स्पीडोमीटर है ना गाइस, जिसके अंदर मैं बताता कि पेट्रोल कितना है, कितना पेट्रोल बचा हुआ है, वो सब दिखाता है। तो मुझे इसका पेट्रोल का इंडिकेशन करेक्ट नहीं लगा। गाड़ी के अंदर टैंक फुल रहता फिर भी कभी तो आधा दिखाता आधा टैंक भरा है, ये सब प्रॉब्लम है गाइज। तो आप इसके फ्यूल इंडिकेटर के भरोसे कभी कहीं रास्ते में ही रह जाओगे, इसके फ्यूल इंडिकेटर पे भरोसा मत करना, क्योंकि ये कभी ज़्यादा कभी कम बताता है। तो ये एक्यूरेट नहीं दिखाता है कि इतना कब कितना फ्यूल है, तो आप इसको ध्यान रखना। आप कहीं जंगल में गए और आपको दिखे कि अभी तो पेट्रोल है बहुत सारा, तो आप इसके चक्कर में ना रह के, नहीं तो आप जंगल में ही रह जाओगे। तो आप सोच समझ कर ही चलाना। तो अभी हम बात करते गाइज यहाँ पर
पे आपको बताता हूँ मेरा पर्सनल रिव्यू, गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो गाइस आप गाड़ी बेझिझक ले सकते हो, बहुत बढ़िया गाड़ी है। आप लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड जरूर ले लेना, आपकी मतलब हाइट के हिसाब से सही से चल रही है या नहीं चल रही है। मुझे तो गाइस गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली, बहुत बढ़िया चलती है और कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज भी बहुत बढ़िया देती है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप जो आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगते हैं वो ना लगाए तो ये आपको अच्छा माइलेज देखने को मिलेगा। मैंने अभी तक साइलेंसर चेंज नहीं करवाया है, गाड़ी भी बहुत अच्छी क्वालिटी अच्छी मतलब चल रही है। इंजन खराब होता वो अलग, बहुत सारी कमियां आती है साइलेंसर चेंज करने से। तो बस यही एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बताने के लिए बनाया था कि मुझे 6 महीने के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली और क्या कुछ अच्छी बातें लगी, सब कुछ आपको मैंने बता दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।